सभी के लिए अपने पूरे परिवार के खिलाफ जाने वाला है ईशान। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले ट्रैक में आप यही देखेंगे किस तरह से ईशान जो है वो सभी के लिए अपनी बहन दुर्वा ही नहीं बल्कि सुरेखा को भी डांटने वाला है। लेकिन इतना बड़ा चमत्कार आखिर हो कैसे गया, चलिए डिटेल में बताते हैं। भाई आज का ट्रैक बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, जहां पर ईशान सुरेखा सबके सब मौजूद हैं, तो वहीं पर सब तैयार बैठे हैं। ईशान जो है वो अन्वी से पूछता है, अन्वी तू क्यों नहीं जा रही। अब अन्वी जो है वो तो मामा जी की वजह से जाने से मना कर देती है, पढ़ाई का बहाना बना देती है। अब ऐसे में दुर्वा जो है वो कहती है, अरे अरे इसका मतलब अब दो लोग नहीं जाएंगे, सभी भी नहीं जा रही। तभी वहाँ पर ईशान जो है सबसे पूछने लगता है कि आखिर सभी क्यों नहीं जा रही। सुरेखा इतने में बोलती है कि अब मैं क्या करूं, उन लोगों ने सभी को इनवाइट ही नहीं किया, यानी फंक्शन जो है रीवा के घर पर है और उसके मम्मी पापा ने सभी को इनवाइट नहीं किया। जिसके बाद सुरेखा जो है ईशान से कहती है कि शायद हो सकता है उन्हें लगा होगा कि अगर सभी को इनवाइट नहीं करेंगे तो फंक्शन जो है अच्छे से हो जाएगा, कोई ड्रामा या तमाशा नहीं होगा। इस पर ईशान भड़क जाता है और सबके सामने ही सभी की तारीफ करता है और कहता है, आप लोगों ने ये एक्सेप्ट कैसे कर लिया, जो भी हो सभी इस घर की मेंबर है और इस घर की बहू होने के नाते उसे भी हर जगह जाना चाहिए। और रही बात पति पत्नी की, तो जहाँ पति को इनविटेशन आता है तो पत्नी को भी वहाँ जाना ही चाहिए। और ये सारी बातें रीवा जो है गेट पर खड़े होकर सुन रही है। रीवा की आंखों में आंसू है कि कैसे ईशान जो है पूरे परिवार से सभी के लिए लड़ता हुआ नजर आया है। सुरेखा जो है वो भी ईशान का ये चेहरा देखकर हैरान हो जाती है। अब इतने में ही दुर्वा जो है वो ड्रामा शुरू कर देती है। दुर्वा कहती है, अरे अरे सभी नहीं जाएगी तो वो ईशान की दी हुई साड़ी कैसे पहनेगी। तभी वहाँ सभी आ जाती है। सभी ईशान को मना करती है कि सर छोड़िए, कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वैसे भी मेरा मन नहीं है। तो इस पर दुर्वा जब ये बातें बोलती है साड़ी वाली, तो सभी हैरान हो जाती है। अब ईशान जो है वो भी बहुत हैरान हो जाता है कि दुर्वा ने सबको बता दिया कि कैसे उसने ही सभी को साड़ी दिलाई थी। और रीवा की आंखों में जो आंसू है वो तो आप देख ही सकते हैं। अब सभी वहाँ से गुस्से में चली जाती है और पूरा परिवार साथ ही मामा जी जो है ईशान को देखकर हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ पर ईशान जो है सभी को मनाने अंदर रूम में गया है, जहाँ पर वो सभी से बहुत सारी बातें करता है। वो कहता है, सभी तुम टेंशन मत लो, सब कुछ सही हो जाएगा। और कहीं ना कहीं दुनिया वालों की नजरों में हम जिस तरह से हस्बैंड वाइफ है, उसके नाते अगर मैंने ये कर ही दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन सभी की सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो भाई हर्ट हुई है। अब ईशान ने उसे समझाया तो है, अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सभी का क्या फैसला होता है। लेकिन भाई आज का ट्रैक देख के आपको कैसा लगा, किस तरह जब ईशान ने अपने पूरे परिवार को सभी के सपोर्ट में सुनाया, कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरह की अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे भी जल्दी से फॉलो करें।